हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS09/105 को देखेंगे। और आज हमें देखने हैं, यानी कि हमारा जो सातवां चैप्टर कंप्लीट हुआ था कल, उसके हमें आज क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स को करने हैं। और क्वेश्चन आंसर्स को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, एक क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होगा और क्वेश्चन बैंक को हम जो बना रहे हैं उसमें हमारे क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर करना है, जिससे आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि आपका यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर 7। और 7 के हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है चैप्टर में, कि संचार माध्यम क्या है, यानी कि संचार माध्यम से ही आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तथा इसके प्रकार या इसके प्रकार लिखिए। तो इसके प्रकार जो आपको बताए गए हैं, सारे आपको प्रकार लिख देने हैं संचार माध्यम के प्रकार। ठीक है, तो आपको प्रकारों का वर्णन कर देना है। जैसे कि आपको बताया था कि उसके प्रकार कौन कौन से हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं, चारों प्रकारों को लिख देना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है संचार, यानी सूचना संचार में इंटरनेट और ईमेल की क्या भूमिका है, या सूचना संचार से आप क्या समझते हैं, और सूचना संचार आज के यानी कि वर्तमान युग में इसका क्या उद्देश्य है। सूचना संचार से आप क्या समझते हैं, तथा इसका वर्तमान युग में क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो यह इस तरह का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए, हमें क्या इस चैप्टर में क्या पढ़ना था भाई, हमने सारे उसके कॉन्फ्रेंस पढ़ लिए, यानी कि आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी बता दिया, भौतिक रूप भी बता दिया, प्रसार भी बता दिया, मुद्रित माध्यम भी बता दिया, संचार के प्रकार भी बता दिए, प्रयोग भी बता दिए। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक तरह से पता होने चाहिए, सारे के सारे रूप और सारे की सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, यानी कि आपको प्रकार बता दिए और कहीं ना कहीं इसकी चीज़ें बता दी। प्रकार आपसे पूछे जाते हैं, प्रकार आपको पता है, प्रकार कौन कौन से, भौतिक प्रकार, यांत्रिकी माध्यम, परंपरागत और आधुनिक। ठीक है, चलिए एक और आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 3, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, तथा इसकी आवश्यकता तथा आवश्यकता व उद्देश्य लिखिए। ठीक है, ये आपको बताना है, आवश्यकता व उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो आपको सारे आवश्यकता बता देने, क्योंकि इसकी आवश्यकता क्यों है और इसके सारे के सारे उद्देश्य बता देने हैं।
ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। संचार माध्यम आपको पता होना चाहिए, संचार माध्यम के जो प्रकार हैं चार वो पता होने चाहिए, और सारे प्रकारों का जो वर्णन बताया गया जैसे प्रिंट मीडिया है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सारे सारे आपको बताए गए हैं। तो सारे सारे आपको सिंपल वे में मैंने सारे सारे हटा दिए थे और आपको चीज़ें याद होंगी, तो ये आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।